और अल्लाह से दुआ की जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो, लेकिन लोगों के जो मुश्किलात हैं पावर नहीं मिलता है, फीस उनसे लिया जाता है, उनसे कहा जाता है कि हम कनेक्शन कट करेंगे अगर आप पैसा नहीं भरेंगे। अब अल्लाह लोगों को शिकायत है किराया बढ़ाने का, लोगों को शिकायत है कि जो सेवाएँ थी उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। आपने खानकाह मुल्क का दौरा किया, क्या मकसद था इस दौरे का सर? यहाँ तो हम तो यहाँ के मुरीद हैं, हम दरबार में आते रहते हैं, खुशी का मुकाम है। यहाँ हाजिरी दे दी और अल्लाह से दुआ की जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो और जो अमन की दुआएं सब कोई करते हैं उसको वो यहाँ आ जाए अमन, ताकि लोग उनको जो मुश्किलें और मुसीबतें हैं उनसे वो आज़ाद हो जाएं और यहाँ के लोग में जो मुश्किल हैं उनको दूर किया जाए। यहाँ का बड़ा दिन भी आने वाला, इंतजाम कैसे है? हमें ऑलरेडी एडमिशन को कहा है, डिविजनल कमिश्नर को, डीसी को, और मेरे ख्याल में वो कहते हैं कि हमें सारे इंतजाम करें और उन्होंने कल मीटिंग भी ली है, लिहाजा मुझे लगता है ठीक ही होगा। अब अलबत्त लोगों को शिकायतें हैं किराया बढ़ाने का, लोगों को शिकायतें हैं कि जो बेवाएँ थी उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, ये बड़ी बुनियाद है, गरीब तबके से लोग ताल्लुक रखते हैं और बिजली का तो जो मेरे इंशाल्लाह हम किसी फोन में बात चाहेंगे और इसका हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? हो रहे हैं नहीं, हम मीटर लगाएं तो मीटर लगाने के बाद वो जो पावर बनता है तो वो दे देना उनको, उतना ही देते हैं, वही तो बात है, बाकी हम कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर इससे एक डिसिप्लिन आ जाएगा डिपार्टमेंट में ठीक है, लेकिन लोगों के जो मुश्किलात हैं पावर नहीं मिलता है, फीस उनसे लिया जाता है, उनसे कहा जाता है कि हम कनेक्शन कट करेंगे अगर आप पैसा नहीं भरेंगे, लेकिन फीस क्या बिजली दी जाती है उस हिसाब से नहीं दी जाती। Thank you.